वो खबर जो आप पर और हम पर करती है सीधा असर, लेकिन आ रही है इस वक्त हैदराबाद से। चलिए देख लेते हैं इस खबर को। तेलंगाना की स्थिति को देखते हुए, हैदराबाद की स्थिति को देखते हुए लोगों की मदद के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। जो भी अगर फंसता है या बिल्डिंग पर फंसते हैं तो उन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय पर रखा गया है, ताकि उन्हें GHMC क्षेत्र में बचाव कार्य के लिए किसी भी वक्त भेजा जा सके। इस बारे में जानकारी मंत्री KTR द्वारा दी गई है और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने आपदा प्रतिक्रिया बल के 700 कर्मचारियों को तैनात भी करा है, जो गैर मशीनी नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 70 सालों में इतनी भयानक बारिश नहीं देखी गई है। हैदराबाद के आसपास 35 सेंटीमीटर तक बारिश हो चुकी है, वहीं 24 घंटे और बारिश होगी। इसी बीच एक अपार्टमेंट के नीचे जो गाड़ी खड़ी थी वो बह गई है और किस तरह से गाड़ियों को टक्कर मारती हुई बह रही है, ये वीडियो देखने के बाद लोगों में डर का माहौल भी है और हलचल मच गई है। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो इस वक्त तहलका मचा रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति हैदराबाद में इससे पहले नहीं देखी गई। बता दें, जब सड़कों पर बिना ड्राइवर के गाड़ियां तेज रफ्तार में दौड़ रही थी, कई अपार्टमेंट के सेलार में भी पानी जमा हो गया है और हैदराबाद शहर की सड़कों पर कारें बहती देखी गई और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पुराने पुल पे भी इसी तरह की स्थिति है, बिल्कुल पानी लग कर बह रहा है पुल के पास और लोगों से अपील की जा रही है कि बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, जान जोखिम में ना डालें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कई कई परिवार तक बह रहे हैं और प्रशासन लगातार अलर्ट कर रहा है, लोगों को निकाल रहा है, जान बचा रहा है। जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती, स्थिति में काबू में नहीं आती है, लोग सुरक्षित रहें।